आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद जी ने कुछ प्रश्न उठाए थे, उनका उत्तर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, आई रिपीट, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके लिए उन्हें माफी मांगना पड़े। स्पष्टीकरण की मांग करने वाले आज यह स्पष्ट करें कि आखिर इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी द्वारा क्यों था कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के साथ आदरणीय मनमोहन जी की डिनर तो हुई, उसके पश्चात पहले आनंद शर्मा जी ने डिनाई किया, डिनर को डिनाई किया कि डिनर नहीं हुआ था, और बाद में जब ज्यादा तथ्य निकलकर सामने आए मीडिया के माध्यम से, तब जाके आनंद शर्मा जी बाहर आके इस विषय को मानते हैं कि हाँ डिनर हुआ था। तो स्पष्टीकरण किसको देना चाहिए? स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए जिन्होंने पहले सत्य को छिपाया और उसके बाद जब किसी प्रकार की गति नहीं बची थी, सत्य अपने आप सामने आ गया था। बिकॉज ट्रूथ हैज दिस अनकैनी हैबिट ऑफ रेजिंग इट्स हेड हाउसोएवर बेस्ट यू ट्राई टू हाइड द ट्रूथ। उसके बाद आप मानते हैं कि हाँ मीटिंग हुई थी, तो स्पष्टीकरण किसको देना चाहिए? जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है तो माफी काहे का, यह सवाल नंबर एक है। दूसरा, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी कांग्रेस पार्टी को है। देखिए, आप गुजरात हार गए, हिमाचल में आपकी सरकार थी, हिमाचल भी आपके हाथों से चला गया, दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बना रही है और लगातार हिंदुस्तान के इतिहास में अपने आप को स्थापित कर रही है कि छठे बार भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के जनता के आशीर्वाद से वहां अपना सरकार स्थापित करने वाली है, जबकि कांग्रेस ने येन केन प्रकारेण हर हथकंडे को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी पर जिस प्रकार का एक बहुत खराब कैंपेनिंग के माध्यम से प्रहार करने का प्रयास किया था, वो प्रहार विफल हो चुका है। तो इसका खीज आप हिंदुस्तान के संसद में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी बौखलाहट, इसका फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी संसद में उतारने का जो प्रयास कर रही है, ये चिंताजनक है, यह दुखद है। और कांग्रेस को यह अनसॉलिसिटेड एडवाइज है कि वो अपनी खीज, अपनी बौखलाहट संसद में ना उतारे। जो लोग प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जनमानस के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से बार बार माफी मांगने की बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता की ओर से, कि जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी ने बार बार, कोई आज से नहीं दशकों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है, मौत के सौदागर से लेकर नीच, नीच का प्रयोग तो सोनिया जी ने भी किया, नीच का प्रयोग आदरणीय प्रियंका जी ने भी किया, नीच का प्रयोग इस चुनाव में भी हुआ, और उसके बाद आपके ट्विटर हैंडल द्वारा तू जाके चाय बेच, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप लोगों ने किया, क्या आपने इसके पीछे कोई संवेदनशीलता दिखाई? क्या आपके मन में कभी ऐसी भावना आई कि संसद के पटल में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर इस प्रकार प्रहार करने के लिए हमें माफी याचना करनी चाहिए, हमें क्षमा याचना करनी चाहिए? क्या कांग्रेस के मन में तिल मात्र भी पश्चाताप आया? उल्टा आप हमें माफी मांगने कह रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने प्रधानमंत्री पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र के स्तर को बहुत नीचे गिराया है, इसके लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस के पास दरअसल अब मुद्दे बचे नहीं। मुद्दों के अभाव में डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और जो भी रिफॉर्म का एजेंडा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, जो विकास का एजेंडा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, उस पर लगातार कांग्रेस ने कुठाराघात किया। और जो मुख्य एजेंडा होते थे पार्लियामेंट को बंद करने का, कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, अब जनता का मोहर उन मुद्दों पर लग चुका है, सकारात्मक रूप से लग चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 325 सीट, गुजरात का चुनाव सूरत में 12 में से 12 सीट, ये दिखाता है कि ये जो लड़ाई हुई थी रिफॉर्म और एंटी रिफॉर्म का लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें विकास पुरुष ने गब्बर सिंह को समाप्त कर दिया है।
आपने रिफॉर्म को गब्बर सिंह कहा, मगर विकास की जीत हुई, जो कि हमेशा इतिहास में होता है, और विकास पुरुष ने गब्बर सिंह वाले राजनीति को, एंटी रिफॉर्म राजनीति को समाप्त किया। ऐसे में अगर आपके पास आज कोई एजेंडा नहीं है, ऐसे में अगर आपके पास आज कोई विषय नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप हिंदुस्तान के संसद को बाधित करें। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा मित्रों कि संसद को लेकर जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के चुनाव के समय किया था और कहा था कि इन्होंने संसद बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, संसद कब चलेगा, हमें बहुत काम करना है, हमें रात रात जग के काम करना है, चलो चलो संसद चलो, संसद कहाँ है, हमें संसद जाना है। और जब संसद चालू हो गया तब बोल रहे हैं चलो संसद से चलो, उस समय कह रहे थे संसद में चलो, अब बोल रहे संसद से भाग चलो। यह किस प्रकार की राजनीति है? यह जो रेटोरिकल पॉलिटिक्स है, यह जो छद्म राजनीति है, यह जो एंटी रिफॉर्म की राजनीति है, यह जो विकास के प्रति कांग्रेस की चिढ़ है, विकास के प्रति चिढ़ की राजनीति है, आज उसी का द्योतक है कि कांग्रेस जो केवल दिखावे और छलावे के लिए कुछ दिन पूर्व कह रही थी कि संसद क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, आखिर संसद कब चलेगा, आज वो संसद से भागना चाहती है और संसद को ठप कर देना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना ही कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के राजनीति के दिशा को और दशा को हमेशा के लिए बदलने का काम किया। एकमात्र मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और इस मंत्र को अगर छोटा किया जाए तो इसका नाम है विकास। विकास की ही हर हालत में जीत होगी, कितना भी विकास को झुकाने के प्रयास की जाए, विकास कभी झुकेगा नहीं, विकास कभी मिटेगा नहीं, विकास आगे बढ़ेगा। और विकास के साथ साथ 125 करोड़ जनता भारतवर्ष का मोदी जी के साथ आगे बढ़ेगा, यह हकीकत है। इसलिए जो लोग आज माफी की मांग कर रहे हैं विकास को गतिरोधित करने के लिए, उन लोगों को आज हाथ जोड़कर हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। टुडे वी हैव हर्ड मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एंड वी हैव हर्ड मिस्टर गुलाम नबी आजाद। फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी वी हैव अ सिंपल सबमिशन। The submission over here is our respected Prime Minister, a Prime Minister who in fact is loved across the length and breadth of this country because of his agenda of development, has not uttered a simple word for which he should apologize. Nothing wrong has been uttered by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for which the Congress party needs an apology. Rather, because of the defeat of the Congress party in Gujarat, the humiliating defeat of the Congress party in Himachal Pradesh and the succession of defeats under the leadership of Mr. Rahul Gandhi, if I am not wrong, probably the 29th defeat of Mr. Rahul Gandhi after he has been looking after the Congress party as the vice president and now as the president. It is the frustration of the Congress party which is evident on the floor of the parliament. It is the burst of the frustration, jisko Hindi mein bokhlaat kehte hain. Thirdly and most importantly, you are talking about the Prime Minister. Our question to the Congress party is, rather than asking for apology from the Bharatiya Janata Party, you in fact should be retrospecting, you in fact should be introspecting, you should be sensitive towards the kind of comments that you have made towards the Prime Minister of this biggest democracy called India. You had called the Prime Minister of India not once, not twice, but on three occasions, niche, a lowly being. Sonia ji called him niche, Priyanka ji called him niche, and we had seen recently as to how the Congress party yet again reiterated by calling him niche. Did you apologize for it? Did you in fact discuss even this issue on the floor of the parliament? No. On multiple occasions, you have humiliated the Prime Minister during this election and the other elections. I'm reminded of the fact as to how one of your Twitter handles, a verified Twitter handle of the Congress party, went ahead to say that tu ja ke chai bech, that was demeaning of the post of the Prime Minister. So of course, if someone has to apologize and should apologize, it has to be you, the Congress party. Today the Congress party is bereft of any kind of issues. They are bereft of issues because of the fact that the Congress party used to make a hue and cry about demonetization, about GST, about the various reformists and the developmental issues of the Prime Minister. The irony is, demonetization was defeated. The idea of demonetization, against demonetization,
The attack against demonetization by the Congress party was defeated in the Uttar Pradesh election, where the Bharatiya Janata Party got 325 seats. And the recently held elections of Himachal Pradesh and Gujarat, yet again demonetization was hailed as a reform. GST was also hailed as a reform because Bharatiya Janata Party